पुष्पांजलि मेंस वेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजरी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। पच्चीस अप्रैल को 149 सैंपल कोरोना पॉजिटिव आए। 138 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1211 पहुंची। 25 अप्रैल 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 149 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1211 हो गई है। राहत की बात है कि अब बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हो रहे हैं। 25 अप्रैल को 138 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 25 अप्रैल 2021 तक कुल 6044 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 4799 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 25 अप्रैल को 138 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। 25 अप्रैल को ही कोरोना के 2 मरीज की मृत्यु हुई है। इस प्रकार जिले में 25 अप्रैल तक 34 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 1211 मरीजों में से 910 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 56 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 230 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार 1 मई से तीसरे चरण का टीकाकरण शुरू करने जा रही है। तीसरे चरण में जीवन रक्षक टीका यानी कि कोविड वैक्सीन 18 साल से अधिक उम्र वालों को भी लगाने का फैसला लिया गया है। लेकिन 18 से 44 वर्ष आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए ऑफलाइन सुविधा नहीं दी गई है। इन्हें पहले सरकार के आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसके बाद ही वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीका लगेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 28 अप्रैल से शुरू होगी। एक तरफ जहां कोरोना पॉजिटिव होने का नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ बालाघाट के रहने वाले 92 साल के बुजुर्ग तुलसीराम सेठिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वे भी कोरोना पॉजिटिव होकर घर पर ही क्वारंटाइन थे। इस दौरान एक्सरसाइज करते हैं, म्यूजिक की धुन पर थिरकते हैं, परिवार के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं और अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। बालाघाट के यह बुजुर्ग 92 साल की उम्र में कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए। बीमारी को लेकर आ रही नकारात्मक खबरों ने परिवार की चिंता बढ़ा दी, लेकिन जीने की ललक और अपने बिंदास अंदाज से इन्होंने इस महामारी को भी हरा दिया। सोशल मीडिया पर तुलसीराम सेठिया नाम के बुजुर्ग का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में यह बुजुर्ग अपने बेटे, पोते, परपोते के साथ झूमते और मस्ती करते नजर आ रहे हैं, जबकि वह कोरोना संक्रमित है। बुजुर्ग के बिंदास अंदाज को लोग इस चिंता भरे दौर में प्रेरणा से भरा बता रहे हैं। परिवार के लोग बताते हैं कि सप्ताह भर पहले इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्होंने अपने स्ट्रांग विल पावर और पॉजिटिव थाट के जरिए इस बीमारी से जंग जीत ली है और अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। मेरी 92 साल की उम्र है, 100 साल जीना चाहता हूं और बीमारी में डरने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से आप खाओ पियो और डांस करो, एक्सरसाइज करो और लोगों को यही संदेश दो कि ये बीमारी नाम की चीज़ नहीं है। एक हफ्ते पहले मेरे दादाजी, जिनकी उम्र 92 वर्ष है, कोरोना पॉजिटिव आए थे, लेकिन उनका विल पावर इतना मजबूत था कि उन्होंने सबसे कहा कि इस कोरोना बीमारी से डरने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से समय पर खाइए पिए, समय पर दवाइयाँ लीजिए, समय पर एक्सरसाइज करिए। ऐसा करके उन्होंने आज अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ कर लिया है।
प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डबल बेंच ने तीन याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि केंद्र यह सुनिश्चित करे कि आगे से कोई भी किसी राज्य का ऑक्सीजन न रोक पाए। हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए। 28 अप्रैल को अगली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र व प्रदेश सरकार ने 19 बिंदुओं में अब तक हुए पालन की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सोमवार 26 अप्रैल को सुबह 9 बजे से दोपहर तक प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर सुनवाई हुई। इसमें चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की डबल बेंच ने पूछा कि पूर्व में जारी 19 बिंदुओं के दिशा निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं। पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में एमपी के ऑक्सीजन रोकने के चलते सागर में एक मरीज की मौत हो गई। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि हर राज्य को ऑक्सीजन बिना रुके मिल सके। हिदायत दी है कि आगे से ऐसी घटनाएं न हो। वही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी निर्देशों के पालन में अब तक उठाए गए कदम के बाबत प्रगति रिपोर्ट 28 अप्रैल को अगली सुनवाई में पेश करने का आदेश राज्य व केंद्र सरकार को दिया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा कोरोना इलाज मामले में स्वतः संज्ञान में लेकर जनहित याचिका की सुनवाई की जा रही है। इस मामले में कोर्ट मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरत की ओर से आवेदन दायर कर कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी से जबलपुर सहित शहडोल, ग्वालियर, इंदौर और प्रदेश के कई क्षेत्रों में अस्पताल में भर्ती मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर का पीक मई के पहले सप्ताह में आने की आशंका है। इसके लिए अभी से पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।